Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. I am Zishan Lagari and we are going to talk about lecture from biology book and that lecture will be from chapter number 2. इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे जिसको हम कहते हैं दैट इज न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड फॉर एग्जाम्पल हम क्या कह रहे हैं, डीएनए और आरएनए. सो न्यूक्लिक एसिड अकॉर्डिंग टू बुक अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो इसमें हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड वर फर्स्ट आइसोलेटेड. न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले अलहदा किया, आइसोलेट मैंने अलहदा करना कब, 1869 में. इसने एफ मेस्टर ने फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल्स, डीप में मौजूद जो सेल्स थे उनमें ऑब्वियसली न्यूक्लियस होगा, उनके न्यूक्लियस के अंदर से किसको अलहदा किया, न्यूक्लिक एसिड को. ड्यू टू देयर आइसोलेशन फ्रॉम न्यूक्लियाई, क्योंकि वो अलहदा हुए थे, निकले थे कहां से, न्यूक्लियाई से, और उनकी नेचर क्या थी, एसिडिक थी, क्योंकि उनमें फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होता है, हम अभी स्टडी करेंगे, तो नेचुरली ये क्या थे, एसिडिक थे, एसिडिक इन नेचर. तो इसलिए न्यूक्लियस में मौजूद होने की वजह से और इनकी एसिडिक नेचर की वजह से इनको क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियक एसिड. और उसमें हम किसको पढ़ सकते हैं, न्यूक्लियक एसिड क्या होंगे, डीएनए होगा या फिर आरएनए. न्यूक्लियक एसिड आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के न्यूक्लियक एसिड हैं. डीएनए, उसको हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियक एसिड भी कहते हैं, डीएनए इसका एब्रीविएशन है. उसके बाद राइबो न्यूक्लियक एसिड जिसे हम आरएनए कहेंगे. हमने इनको एनिमेशन के साथ और डायग्राम्स के साथ डिटेल से स्टडी करना है बुक को फॉलो करते हुए. लेकिन अब हम देख लेते हैं कि डीएनए या आरएनए कहां कहां मौजूद है. डीएनए अकर्स इन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में डीएनए मौजूद होगा, क्रोमोसोम्स को हम देखेंगे. और वो क्रोमोसोम्स कहां होते हैं, न्यूक्लियाई ऑफ सेल्स, सेल्स के न्यूक्लियस में. और थोड़ी बहुत अमाउंट में ये डीएनए मौजूद होता है कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और क्लोरोप्लास्ट में भी. और क्लोरोप्लास्ट प्लांट की एक ऑर्गेनेल है जो उसको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है. इसके बाद हम देखते हैं कि आरएनए प्रेजेंट होता है कहां पर, न्यूक्लियोलस के अंदर, इन राइबोसोम्स यानी कि राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम्स में मौजूद होगा, सेल के साइटोप्लाज्म के सॉल्युबल पार्ट साइटोसोल में भी मौजूद होगा इन स्मॉलर अमाउंट, और सेल के दूसरे हिस्सों में भी मौजूद हो सकता है क्या चीज, आरएनए. फॉर एग्जांपल ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को अगर हम देखें, ये न्यूक्लियस अलहदा किया गया है तो इसके अंदर क्या मौजूद है, न्यूक्लियोलस, द डार्कली स्टेन्ड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ सेल. तो इस न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होगा, आरएनए. इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड. जो हम डीएनए या आरएनए को स्टडी कर रहे हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या फिर राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि वह किन चीजों से मिलकर बना हुआ है. न्यूक्लिक एसिड और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ये पेचीदा किस्म के सब्सटेंसेस होते हैं यानी पेचीदा मादे होते हैं. दे आर पॉलीमर्स ऑफ यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि इनके जो यूनिट्स हैं डीएनए या आरएनए के, जिसको हम न्यूक्लिक एसिड कह रहे हैं, इनके यूनिट्स क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स. मतलब क्या है इस बात का, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि पॉली का मतलब आपको बताया था मैनी होगा, यानी कि इनके अंदर बहुत सारे यूनिट्स होंगे जिनको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे, और इनसे मिलकर ही डीएनए या आरएनए बनेगा. तो सबसे पहले फिर हमें किसको समझना चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स को. तो हम देख लेते हैं कि डीएनए किससे मिलकर बना है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से, और आरएनए किससे मिलकर बना है, राइबोन्यूक्लियोटाइड से. तो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स अलहदा हैं, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स अलहदा होंगे. सबसे पहले हम डीएनए के यूनिट्स को देख लेते हैं जिनसे मिलकर डीएनए बना हुआ है, जैसे पूरी बिल्डिंग या फिर कोई दीवार ब्रिक्स यानी ईंटों से मिलकर बनती है, उसी तरह से जो डीएनए है उसके यूनिट्स न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनसे मिलकर डीएनए बना हुआ है. ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ थ्री सब यूनिट्स, तीन छोटे हिस्सों से मिलकर बनता है ये न्यूक्लियोटाइड भी, याद रखना आपने. फाइव कार्बन मोनोसैकेराइड, पेंटोस शुगर है, पेंटा का मतलब फाइव होगा, फाइव कार्बन रखने वाली शुगर, मोनोसैकेराइड शुगर को कहेंगे, मिठास का मॉलिक्यूल है. उसके बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होगा इसमें, इसको हम देखेंगे डायग्राम से. और उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड मौजूद होगा. सबसे पहले हमने बात की
डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है और वो न्यूक्लियोटाइड भी तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और उसके बाद उसमें फॉस्फोरिक एसिड मौजूद है। ये आपके सामने क्या है, न्यूक्लियोटाइड और जिससे मिलकर डीएनए बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या मौजूद है, हमने अकॉर्डिंग टू बुक अगर देखें तो यहां पर लिखा हुआ है नाइट्रोजनस बेस होगी, क्योंकि इसमें क्या नजर आ रहा है आपको, नाइट्रोजन। और इसी तरह से यहां पर फाइव कार्बन वाली शुगर है जिसको हम पेंटोस शुगर कहेंगे। ये फाइव कार्बन शुगर है, इसमें कार्बन जुड़े हुए हैं हर कॉर्नर के ऊपर, 1, 2, 3, 4 एंड यहां पर क्या होगा, ये कार्बन नंबर 5 है और 5 कार्बन वाली ये क्या है, शुगर। और इसके अलावा इसमें क्या मौजूद है, फॉस्फेट ग्रुप, यानी कि तीन चीजें हमने देखी बेसिक जो न्यूक्लियोटाइड के अंदर है। अगेन आई विल रिपीट, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर, ये 5 कार्बन शुगर और उसके बाद नाइट्रोजनस बेस। मजीद सिंपल करके अगर इसको देखना चाहते हैं तो यहां से भी क्या है, इसमें बेस है, शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप है न्यूक्लियोटाइड के अंदर। तीन चीजें हमने ऑब्जर्व की जो न्यूक्लियोटाइड में मौजूद हैं, जिनसे मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बन रहा है, यूनिट ऑफ डीएनए। पेंटोज शुगर इन राइबो न्यूक्लियोटाइड इज राइबोस। अब यहां पर पेंटोज शुगर में फर्क आ रहा है, फाइव कार्बन शुगर जो हमने देखी अभी, किसमें, राइबो न्यूक्लियोटाइड के अंदर यानी आरएनए में। वो पेंटोज शुगर आरएनए के अंदर क्या है, राइबोस है। और डीएनए के अंदर वो पेंटोज शुगर क्या है, डीऑक्सीराइबोस है। अगेन इसको मैं बताऊंगा आपको कि पेंटोज शुगर फाइव कार्बन शुगर आरएनए के अंदर राइबोस है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड यानी डीएनए के अंदर वो डीऑक्सीराइबोस है। मतलब क्या है इस बात का, यहां पर हम आरएनए के यूनिट्स जिनसे मिलकर आरएनए बनेगा उनको हम देख रहे हैं कि कार्बन नंबर 2 पर, ये बुक में बात लिखी हुई है कि कार्बन नंबर 2 के ऊपर, जैसे अगर हम यहां पर इसकी नंबरिंग स्टार्ट करें तो कार्बन नंबर 1 है, यहां पर कार्बन नंबर 2, यहां पर कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5, ये आपने नंबरिंग याद रखनी है। तो कार्बन नंबर 2 पर OH ग्रुप मौजूद है इसमें, इस राइबोस शुगर के अंदर। लेकिन अगर हम इस डीएनए की शुगर की बात कर रहे हैं तो डीएनए में ये क्या है, डीऑक्सीराइबोस है। राइबोस का मतलब 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, डीऑक्सी का मतलब यानी कि इसमें से ऑक्सीजन रिमूव की गई है। अब एक राइबोस है लेकिन एक डीऑक्सीराइबोस है, ऐसी शुगर जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव की गई है। अब यहां पर हम कार्बन नंबर 2 देख रहे हैं, कार्बन नंबर 2 में, बुक में ये बात अगेन रिपीट करूंगा कि लिखी हुई है कि कार्बन नंबर 2 में इस हाइड्रोजन पर से ऑक्सीजन रिमूव कर दी गई है, यानी यहां पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। और इधर हम कार्बन नंबर 2 पर देखें तो ऑक्सीजन मौजूद है, सो दैट्स व्हाई दैट इज राइबोस। और जहां से ऑक्सीजन रिमूव कर दी गई है तो उसको हम कहेंगे डीऑक्सी, यानी वहां से ऑक्सीजन क्या है, रिमूव्ड है कार्बन नंबर 2 से। हमने राइबोन्यूक्लियोटाइड के अंदर देखा, आरएनए में देखा, राइबोस शुगर थी और डीऑक्सीराइबोस के बारे में जाना डीएनए में। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड यानी कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये किसके हैं, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजनस बेसिस आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह की होंगी, सिंगल रिंग्ड पाइरिमिडीन्स और डबल रिंग्ड प्यूराइन्स। हमने देखा तीन हिस्से थे न्यूक्लियोटाइड के जिनसे मिलकर डीएनए या आरएनए बनता है, वो तीन हिस्से, पेंटोज शुगर हमने देखा, उसके बाद हमने नाइट्रोजनस बेसिस देखा और उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड। नाइट्रोजनस बेसिस की बात की जा रही है कि नाइट्रोजनस बेसिस भी दो तरह की यहां पर बताई जा रही हैं, कुछ सिंगल रिंग्ड होंगी और कुछ डबल रिंग्ड। एंड लार्ज नेम है तो आपने याद रखना है सिंगल रिंग है, अगर स्मॉल नेम है तो आपने याद रखना है डबल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस है। इस डायग्राम से हमें बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा, यहां पर हमने देखा कि न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप, शुगर, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। ये नाइट्रोजनस बेस प्यूरीन्स या पाइरिमिडीन्स जो हम देख रहे हैं उनमें कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस शामिल हैं, एडिनिन, गवानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। हमने अभी एडिनिन और गवानिन को देखा और साइटोसिन और थायमिन को जो नाइट्रोजनस बेसिस हो सकती हैं। यहाँ पर एडिनिन है और गवानिन है, इनको हम किस में शामिल करते हैं, प्यूराइन्स में, और साइटोसिन
और थायमीन है, इसको हम किस में शुमार करेंगे? पिरिमिडीन्स में। और हमने ये भी देखा कि पिरिमिडीन्स फॉर एग्जाम्पल साइटोसिन या थायमीन, ये क्या है? सिंगल रिंग है, इनमें जो रिंग है वो एक नजर आ रहा है आपको। और इस तरह से जो प्यूराइन्स हैं उनमें रिंग्स कितने हैं? दो। ये दो रिंग्स आपस में जुड़े हुए हैं इन नाइट्रोजिनस बेसिस के। तो प्यूराइन्स स्मॉल नेम है, डबल रिंग होगी, ये एनलार्ज नेम है, तो इनमें रिंग्स कितने होंगे? सिंगल होंगे। हमने यहां पर डबल रिंग्ड प्यूराइन्स को देखा और पिरिमिडीन्स को देखा जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं। इसके बाद हमें मालूम है कि पिरिमिडीन्स कौन सी होंगी? साइटोसिन, जिनको हम एब्रिविएट करते हैं एज सी, और थायमीन, इसको हम कैसे इसका मुखफ्फफ बयान करेंगे? एज टी, और यूरासिल, जिसको हम एब्रिविएट करेंगे एज यू। तो ये सारी की सारी क्या है? पिरिमिडीन्स हैं, साइटोसिन, थायमीन एंड यूरासिल, ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं, लेकिन ये सिंगल रिंग्ड होंगी। प्यूराइन्स, इनमें कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस शामिल हैं? एडिनिन, ए से जाहिर करेंगे, एब्रीवेटेड एज ए, गोवानीन, जिसको हम जी से जाहिर करेंगे। हमने पेंटोस शुगर के बारे में देखा, राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर, उसके बाद नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में देखा। अब तीसरा हिस्सा न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फोरिक एसिड है, इसके अंदर क्या एबिलिटी होती है कि ये डिवेलप कर सकता है एस्टर लिंकेज, एक बॉन्ड बना सकता है, किस तरह से? OH ग्रुप होगा इसका पेंटोस शुगर का, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड इसमें सलाहियत होती है कि वो एस्टर लिंकेज यानी बॉन्ड बना सकता है OH ग्रुप के साथ पेंटोस शुगर के। इसको समझने के लिए हम डायग्राम देखते हैं। यहां से हमें समझ आ जाएगा कि ये नाइट्रोजनस बेस, ये पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर में कार्बन नंबर 3 पर OH ग्रुप है और कार्बन नंबर 5 पर फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये फॉस्फेट ग्रुप, इसके अंदर सलाहियत होगी, किसका फॉस्फेट ग्रुप है? एक न्यूक्लियोटाइड का। तो ये फॉस्फेट ग्रुप, इसके अंदर एबिलिटी है बॉन्ड बनाने की, किसके साथ? दूसरे न्यूक्लियोटाइड के OH ग्रुप के साथ, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। तो अब ये बॉन्ड बनेगा तो हम देख सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से हाइड्रोजन और फॉस्फेट ग्रुप में से यहां से हाइड्रोक्सिल रिमूव हो रहा है, तो क्या बनेगा? H2O रिमूव होगा और इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में, एक न्यूक्लियोटाइड और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, इनके दरमियान में बॉन्ड बन गया। तो हम इस बॉन्ड को क्या कह रहे हैं? दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। हमने देखा कि एस्टर लिंकेज दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में बनी, दैट वाज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, और किस तरह से बनी? फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट ग्रुप जो था उसकी सलाहियत थी, ये उसने क्या किया? OH ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। किसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ? पेंटोस शुगर के साथ, और वो पेंटोस शुगर दूसरे न्यूक्लियोटाइड की थी। यहां से भी हम देख सकते हैं कि ये पेंटोस शुगर है और ये भी पेंटोस शुगर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंप्लीट देखें तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा और ये चौथा न्यूक्लियोटाइड, ये चार न्यूक्लियोटाइड्स यहां पर मिले हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये मिलेंगे तो इनके मिलने से कौन सा बॉन्ड बनेगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये भी और ये भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। तो इस तरह से डीएनए का एक स्ट्रैंड बनेगा। और अगेन यहां से हम देख रहे हैं ये प्यूराइन्स है, प्यूराइन्स में क्या आपको बताया था? एडिनिन आएगा और गुआनिन आएगा, और इनके रिंग्स देख रहे हैं हम, ये डबल रिंग है। प्यूराइन्स स्मॉल नेम, enlarged structure of their rings, and enlarged name, small structure of their rings. Pyrimidines क्या होंगी? Single ringed होंगी, और pyrimidines की example क्या होंगी? Cytosine होगा और thiamine होगा DNA के strand के अंदर। अगर ये RNA का strand है तो thiamine की जगह uracil आ जाएगा। अब book के हवाले से कुछ बात की जा रही है कि एक typical nucleotide के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस होगी वो हमेशा अटैच होगी पोजीशन नंबर 1 पर या फिर कार्बन नंबर 1 पर, इसके पेंटोस शुगर के, और फॉस्फोरिक एसिड हमेशा जुड़ा हुआ होगा कार्बन नंबर 5 पर। यहां से हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजनस बेस हमेशा अटैच होगी कार्बन नंबर 1 पर,
और फॉस्फेट ग्रुप कहां पर अटैच होगा न्यूक्लियोटाइड में, कार्बन नंबर 5 पर। और ये भी आपने याद रखना है कार्बन नंबर 3 पर क्या मौजूद है, OH ग्रुप। जब एक पेंटोस शुगर का OH ग्रुप रिएक्ट करता है अपने से आगे वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ तो क्या बनता है, इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड बनता है जिससे डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड की। अभी हमने न्यूक्लियोटाइड देखा और न्यूक्लियोसाइड भी बुक में मेंशन किया गया है तो यहां पर इसको डिस्कस करना जरूरी है। न्यूक्लियोसाइड द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बेस एंड ए पेंटोस शुगर। क्या बात की जा रही है यहां पर, एक ऐसा कंपाउंड जो कि मिलकर बनता है, कॉम्बिनेशन से बनता है दो चीजों के, बेस के और पेंटोस शुगर के मिलाप से, इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि यही न्यूक्लियोसाइड जिसमें पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस है वो मिलता है किससे, फॉस्फोरिक एसिड से, और क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड। यहां पर हम न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का फर्क देख रहे हैं, ये तो आप जान गए होंगे, नाइट्रोजनस बेस है जो कि हमेशा कार्बन नंबर 1 पर अटैच होगी और 5 कार्बन शुगर। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस जिसमें नाइट्रोजन है, बेसिक करेक्टरिस्टिक्स है उसकी, और ये शुगर, ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। अगर इसी न्यूक्लियोसाइड के साथ जोड़ दिया जाए किसको, फॉस्फेट को, तो ये क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। अगेन आगे वही बात रिपीट की जाएगी बुक में जो हमने पढ़ी थी, ईच न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए कंटेन्स राइबोस शुगर। आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनमें कौन सी शुगर होगी, राइबोस, और डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनमें कौन सी शुगर होगी, डीऑक्सीराइबोस। जैसा कि हमने यहां से देखा था कि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या होगी, राइबोस शुगर जिसमें कार्बन नंबर 2 पर OH ग्रुप मौजूद है, लेकिन डीएनए के डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर डीऑक्सी से मुराद क्या होगी, इस कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन रिमूव कर दी गई होगी। सो दैट्स व्हाई इस न्यूक्लियोटाइड को हम क्या कहेंगे, दैट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। हमने देखा कि ऑक्सीजन रिमूव कर दी गई है OH ग्रुप से एट कार्बन नंबर 2 इन डीएनए। और एटीपी को भी हम एनिमेशन के जरिए देखेंगे कि ये क्या है, एक अहम न्यूक्लियोटाइड है जो कि एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं जिनसे मिलकर डीएनए बनेगा। और यहां पर जो एटीपी के न्यूक्लियोटाइड की बात की जा रही है तो इसमें भी नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट मौजूद होगा, लेकिन उसका काम क्या होगा, एज एनर्जी करेंसी, किसके लिए, सेल के लिए। लास्ट में एनिमेशन देखने से पहले हम यहां पर देखते हैं कि ये क्या है, बेसिस हैं, नाइट्रोजनस बेसिस जिनमें साइटोसिन है, गवानीन है, एडिनिन है और आरएनए के अंदर यूरेसिल है। इसी तरह से डीएनए में साइटोसिन है, गवानीन है, एडिनिन नाइट्रोजनस बेस है और यूरेसिल के बजाय थायमीन नाइट्रोजनस बेस डीएनए में मौजूद होगी। और कुछ इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे और क्या बनाएंगे, डीएनए का स्ट्रैंड। और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है तो ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड होगा। हम यहां पर न्यूक्लिक एसिड को देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी, इससे प्रोटीन सिंथेसिस होगी, ये डीएनए का यूनिट न्यूक्लियोटाइड, कार्बन शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस मौजूद है कार्बन नंबर 1, 3 एंड 5 पर। ये डीऑक्सीराइबोस है, एडिनिन, गवानीन, साइटोसिन, थायामीन, ये नाइट्रोजनस बेसिस हो सकती हैं कार्बन नंबर 1 पर, और इस तरह से जुड़ेंगे। और ये शुगर, ऐसे शुगर शो किया जा रहा है। ये स्ट्रैंड दोनों अपोजिट जुड़े हुए हैं। यहां से आपको डीएनए के स्ट्रैंड के अंदर गवानीन, थायमीन, एडिनिन और साइटोसिन, ये नाइट्रोजनस बेसिस नजर आ रही हैं। पेंटोस शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप है। कार्बन नंबर 3 के OH ग्रुप से कार्बन नंबर 5 वाला फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ हुआ है और फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनी हुई है एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में। ये डीएनए का स्ट्रैंड है और इसी तरह से आरएनए का स्ट्रैंड भी आपके सामने है। और ये डबल रिंग और सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस का भी आपने
ध्यान रखना है कि कौन सी पायरिमिडीन्स में आएंगी और कौन सी प्यूराइन्स में। ये डीएनए का स्ट्रैंड और ये आरएनए का, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, इसमें नाइट्रोजनस बेसिस आप देख रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स की अरेंजमेंट आप देख रहे हैं। अब डीएनए के पास क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है क्या बनाने के लिए, प्रोटीन। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, ये भी न्यूक्लियोटाइड है, इसमें एडिनिन है, 5 कार्बन शुगर और कार्बन नंबर 5 पर फॉस्फेट ग्रुप्स, लेकिन 3 फॉस्फेट ग्रुप्स, इनके बॉन्ड्स में एनर्जी है, इस बॉन्ड को अगर ब्रेक कर दिया जाए तो एनर्जी हासिल होती है, तो ये एनर्जी करेंसी है सेल के लिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो अब क्या बन चुका है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस कई बार पूछा गया है बोर्ड में, तो आपने याद रखना है कि अगर फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है तो वो न्यूक्लियोटाइड है, अगर फॉस्फेट ग्रुप मौजूद नहीं है बेस और पेंटोज शुगर के साथ तो वो क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।